नमस्कार, मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करिश्मा कौशिक। बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र जो है अभी तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। 23 अक्टूबर 2020 को शुक्र जो है सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कौन सी राशियां हैं जो शुक्र के प्रभाव में आकर के उनको अच्छा फल प्राप्त होगा, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और कौन सी वो राशियां हैं जिनका धन अधिक खर्चा हो सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए शुक्र जो है धन के कारक हैं, इसके साथ साथ खूबसूरती के कारक हैं। अगर ये दोनों ही चीज़ें आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र स्ट्रांग होना, मजबूत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो 23 अक्टूबर सुबह 10:34 से शुक्र जो है कन्या राशि में गोचर करेंगे अगले 25 दिनों तक के लिए, यानी 17 नवंबर 2020 तक के लिए। तो कैसा रहेगा 12 राशियों का हाल, बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए 6th हाउस में ये गोचर हो रहा है षष्ठम भाव में। ये समय जो रहेगा आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस समय पर आपका धन अधिक खर्चा हो सकता है और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान रख कर के चले। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं किसी भी वाद विवाद में ना फंसे, नहीं तो अगर आप एक बार वाद विवाद में फंस गए तो कहीं ना कहीं आपका इसी वाद विवाद को लेकर के धन बहुत अधिक खर्चा हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। बात करते हैं टॉरस की यानी वृश्चिक राशि की। तो आप लोगों के लिए ये जो समय रहेगा थोड़ा सा बेहतर रहेगा और इसके साथ साथ आप लोग अगर फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं यानी संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं तो ये समय आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। संतान का अगर विवाह नहीं हो रहा है, संतान विवाह योग्य है, तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष से आपको खुशखबरी ज़रूर आएगी। तो संतान का विवाह पक्का होने की इस समय पर संभावना बन रही है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। तो आप लोगों के चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस में हो रहा है ये गोचर और इसके साथ साथ इस समय पर आप लोग जो हैं अपने घर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लग्जरीज आइटम है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप अपने घर पे लेकर के आ सकते हैं जिसकी वजह से धन आपका खर्चा हो सकता है। धन पर नियंत्रण रख के चले और साथ ही साथ आप लोग जो हैं अगर वाहन लेना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक शुभ है। माता का या माता जैसी किसी महिला का स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चले। बात करते हैं कर्क राशि की यानी कैंसर की। तो आप लोगों के लिए तृतीय भाव में यानी 3rd हाउस में ये गोचर हो रहा है, आप लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं धन आपके पास आएगा भी, यानी अगर आप कारोबार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं, या फिर आपकी कोई डील जो है बहुत लंबे समय से रुकी हुई है वो पक्की हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपका जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है वो भी अधिक इस समय पर हो सकता है। तो धन पर, खर्चे पर नियंत्रण रख के चले, क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण रख के चले आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं कर्क के बाद सिंह राशि के जातकों की। तो आप लोगों के लिए ये समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। परिवार का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, परिवार के ऊपर आपका धन का खर्चा हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं ना कहीं किसी यात्रा पे जा सकते हैं तो यात्रा के योग भी बन रहे हैं। ये समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी व्यक्ति से आपकी अनबन हो गई थी तो वो अनबन भी ठीक हो जाएगी। बात करेंगे कन्या राशि की। तो आप लोगों की ही राशि में यानी लग्न भाव में ये गोचर हो रहा है। इस समय पर आप लोग जो है खर्चा करेंगे अपने ऊपर, कॉस्मेटिक्स, ड्रेस आइटम्स, ये सारी चीज़ें लेने में आपका ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो खर्चे पर थोड़ा रोक लगा करके चलें, मगर ऐसा नहीं है कि अगर खर्चा होगा तो आपको कहीं ना कहीं से आएगा नहीं। अगर कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में तरक्की भी मिलेगी और साथ ही साथ अगर नौकरी तलाश रहे हैं तो नौकरी भी आपको इस समय पर मिल सकती है, और अगर प्रमोशन की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो प्रमोशन मिलने की भी संभावना दिख रही है। बात करेंगे तुला राशि की। तो आप लोगों के द्वादश भाव यानी 12th हाउस में हो रहा है। इस समय पर दुर्घटना से बच करके चलिएगा। दुर्घटना होने की ही वजह से आपका जो धन है कहीं ना कहीं अधिक खर्चा हो सकता है, ऐसी चीज़ों में, अनावश्यक चीज़ों में खर्चा हो सकता है। इसलिए यात्रा करते समय दुर्घटना का ध्यान रख करके चलें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा समय रुक जाएं। फॉरेन ट्रैवल अगर करना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों के लिए शुभ है।
वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी हद तक बेहतर होगा। पहले से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं मिल रही थी या तनाव में चल रहे थे, तो धीरे धीरे ये तनाव भी दूर होगा। पार्टनर के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आप लोगों के लिए ये समय काफ़ी हद तक शुभ रहेगा। बात करेंगे धनु राशि के जातकों की, तो आप लोगों के लिए ये जो गोचर है काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ अगर नौकरी आप तलाश रहे थे तो नौकरी मिलने की संभावना है इस समय पर। इसके साथ साथ अगर आप कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में सोच रहे हैं या करियर को लेकर कोई नई शुरुआत देख रहे हैं, तो ये आपको इस समय पे मिल सकती है। पिता का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं। जो सिंगल्स हैं उनका विवाह इस समय पर हो सकता है। बात करते हैं अगली राशि की यानी मकर राशि की, तो आप लोगों के लिए ये समय अच्छा रह सकता है। परिवार के साथ यात्राओं पे जाएंगे और साथ ही साथ परिवार के ऊपर आप इस समय पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर देखा जाए जो लोग चाहते हैं संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन लोगों के लिए संतान प्राप्ति के लिए ये सही समय है। कुंभ राशि की बात करेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान रख कर के चलने की आवश्यकता है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं ना कहीं जुआ सट्टा खेलने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पर, उनको इस समय पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का अगर इस समय पर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, तो कर्जे से बच करके चलिएगा जितना हो सके, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की इस समय पर आपको ज़रूरत है। और इसके बाद हम बात करेंगे अंतिम राशि की यानी मीन राशि की, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अपने जीवन साथी के साथ आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे। और जो लोग व्यापार कर रहे हैं बिजनेस पार्टनर के साथ, थोड़ा सा अपने पार्टनर पे ध्यान रख करके चलें, बिजनेस पे ध्यान रख करके चलें, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो ये समय आप लोगों के लिए मीन राशि के लिए काफ़ी हद तक अच्छा है। और भी ऐसे विषय लेकर के आऊँगी मैं केवल करिश्मा कौशिक के, तो इसीलिए करिश्मा कौशिक का जो YouTube चैनल है यानी मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का भला कर सके। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राम।